हाय गाइस, आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू. मैं बहुत एक्साइटेडली आपको दिखाने वाली हूँ मेरा खोस्ट पेपर. इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स हॉटेस्ट चिली. इसका एक ही काफ़ी है, बहुत पंजेंट है. और मेरा पूरा पेड़ आप देख सकते हो, पूरा पेड़ भरा हुआ है अभी फिलहाल. ये सीजन है इसका. एंड यू कैन सी यहाँ पे पक भी चुके हैं एक दो. एंड इधर आप नीचे देख सकते हो, ऐसे ये गुच्छियों में भी बहुत सारा हो रहा है. ये आपको छूने के बाद आपको हाथ धोना कंपलसरी है, क्योंकि इसके स्किन में भी बहुत सारा बहुत ही हीट रहता है. ये पूरा पेपर का प्लांट देख सकते हो आप, बहुत हेल्दी है. ये देखिए, ये आप देख सकते हो कितना बड़ा है. और ये एक काफ़ी है, आपका पूरा हफ्ता चल जाएगा इस एक पेपर से. अगर आप इफ़ यू आर अ हीट लविंग पर्सन, आपको मिर्ची पसंद है, देन आपको ये पेड़ डेफिनेटली अपने पास रखना है. आपको ज़्यादा नहीं, दो तीन पेड़ काफ़ी है टू लास्ट दी होल ईयर. एक्चुअली पूरा साल के लिए ये काफ़ी है. और अगर आप इंडिया में नॉर्दर्न बेल्ट में हो तो आपको इसको थोड़ा सा बारिश के टाइम पे शेड में रखना पड़ेगा, बिकॉज इसको इतना शेड, इतना हीट पसंद नहीं है और इतना वेटनेस पसंद नहीं है. जैसे कि मैं आसाम से हूँ तो यहाँ पे बहुत आज सीजन इज बहुत वेट, बहुत बारिश होता है, तो इसको ज़्यादा बारिश पसंद नहीं है, तो इसको शेड में रखना पड़ता है जब बहुत बारिश होता है. तो पहले दिस वॉज द वर्ल्ड्स हॉटेस्ट पेपर, पर अभी कैरोलिना रीपर करके एक पेपर है जो वर्ल्ड्स हॉटेस्ट पेपर हो चुका है. नेवरदलेस ये स्टिल वन ऑफ द बेस्ट चिलीज दैट यू कैन ले योर हैंड्स ऑन. एंड प्लीज डू गेट द प्लांट, अपने बगीचे में ये प्लांट जरूर लगाइएगा. सो इसका केयर ऐसा है कि आपको इसको कैल्शियम फीड करना पड़ेगा एवरी नाउ एंड देन. आप इसको बोन मील आपको देना पड़ेगा. अगर आपके पास बोन मिल नहीं है तो आपको लाइम वाटर जो है, चूना कहते हैं हम उसको, आई थिंक वो पान के साथ जो खाते हैं, वो भी आप दे सकते हो. जब आप इसको प्लान करते हो तो आपको यू हैव टू एंश्योर कि इसमें फंगिसाइड, फंगल डिजीजेस ना लगे, बिकॉज चिलीज आर जनरली प्रोन टू फंगल डिजीजेस. सो आप एक काम करना, कॉपर का कोई भी यूटेंसिल ले लेना, उसमें आप थोड़ा सा दही यानी कर्ड उसमें रख दीजिएगा. कर्ड को जब कर्ड और कॉपर का मिक्सचर केमिकल रिएक्शन होगा तब द कलर विल स्टार्ट चेंजिंग, ब्लू कलर होना शुरू हो जाएगा. तो आप उस चीज़ को पानी के साथ मिक्स करके इसको दे देना, इसके बेबी प्लांट्स को दे देना, यानी कि इसके सैपलिंग्स को देना. अराउंड जब ये आपका 6 inches या 1 feet बड़ा हो जाता है तब इसको दे देना, तब इसका इसमें फंगल डिजीजेस लगने की आशंका थोड़ा कम हो जाता है, चांसेस थोड़ा कम हो जाता है. और टाइम टू टाइम इसको कंपोस्ट और आप बोन मील देते रहिएगा. अगर आपके पास मस्टर्ड केक है तो उसको मिला के उसका मिक्सचर पानी में मिला के दीजिएगा, दैट इज़ परफेक्ट. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ज़्यादा ओवर वाटरिंग मत कीजिएगा, पानी ज़्यादा मत दीजिएगा. और ये शेड लविंग प्लांट है, बहुत ज़्यादा हीट जब होता है तब इसको शेड में दीजिएगा. बट इट नीड्स फुल सनलाइट, एज मच एज पॉसिबल इसको फुल सनलाइट दीजिएगा. इनडायरेक्ट सनलाइट, सुबह का सॉफ्ट सनलाइट दीजिएगा, फिर इसको हार्श सनलाइट से थोड़ा बचा के रखिएगा. एंड देयर यू गो, आपको भी इतना अच्छा मिलेगा. सो मैंने क्या क्या, मेरा सीजन प्लांटिंग सीजन मैंने थोड़ा आगे कर दिया था. तो आई प्लांटेड दिस अराउंड फेब्रवरी, जनवरी को सीड सो किया था, फेब्रवरी को मैंने इसका सीडलिंग लगाया था. एंड दिस इज एंड ऑफ मार्च, तो बाय मार्च यू विल बी गेटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पेपर्स. मार्च तक आपको बहुत सारा मिल जाएगा. और अभी भी आप देख सकते हो फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स आ रहे हैं, हर एक ब्रांच में अभी भी बहुत सारे फ्लावर्स आ रहे हैं.
से. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर. हैप्पी गार्डनिंग.